हे गाइस, क्या आपके दांत टूट रहे हैं अर्ली एज में? यस्टरडे अ 19 ईयर ओल्ड बॉय केम टू माय क्लिनिक एंड ही सेड कि उसके अंदर वाली साइड से दांत जो है वो टूट गया खाना खाते वक्त. सो देन आई सेड ओके लेट्स चेक. तो जब मैंने चेक किया देन आई फाउंड दिस कि उसके दांतों के ऊपर प्लाक जमा हुआ है काफ़ी सारा. तो प्रोबेबली खाते वक्त ये प्लाक जो है वो चिप ऑफ हुआ होगा एंड देन ही थॉट दैट कि उसका दांत जो है वो टूट गया है. एंड देन अल्टीमेटली उसको एजुकेट किया कि वो टूथ नहीं था, वो जस्ट प्लाक था. एंड प्लाक हटाने के बाद उसके टूथ जो है वो सारे के सारे क्लीन कर दिए. बट वट इफ़ ये तो पेशेंट 19 ईयर्स ओल्ड एजुकेटेड था, वट इफ़ कि अगर ये वेट करते, इग्नोर कर देते इस सिचुएशन को एंड ये प्लाक जो है, यू कैन सी दिस प्लाक, ये हटता नहीं या फिर ये यहीं पर रहता, ये इग्नोर करते, तो होता ये कि कुछ साल बाद, लाइक आफ्टर 5 ईयर्स, और जनरली केसेस आते हैं 25-30s के बीच में, ये कुछ ऐसा हो गया होता. सी लॉट ऑफ प्लाक डिपोजिशन इज देयर, यू कैन सी. और प्लाक डिपोजिशन के साथ साथ ये केस आता कि टूथ के अंदर पेन है और ये टूथ जो है वो हिलने लगे हैं. प्लाक रिमूव करते हम तो देखते कि बहुत सारा गम जो है वो गम खराब हो चुका है, गम्स रिसीड कर चुका है और प्लस इसके अंदर अब बोन लेवल भी कम हो गया जिसकी वजह से ये टूथ जो है वो हिलने शुरू हो गए हैं. और जनरली पेशेंट आते हैं 25-30s की एज में ये कंप्लेंट लेके. नाउ सी दिस केस, 30 ईयर्स ओल्ड गाय केम टू मी सेम प्रॉब्लम कि उन्होंने लेट ध्यान दिया, 30s की एज में ध्यान दिया कि उनके जो रूट हैं वो दिखने लगे हैं. कैलकुलस बहुत ज़्यादा डिपॉजिटेड था तो मैंने क्लीन किया. क्लीन करने के बाद व्हाट आई डिड इज, क्योंकि ये टूथ हिल रहे थे, देन आई यूज दिस स्प्लिंट. तो स्प्लिंट इज यूज फॉर स्टेबलाइजेशन. तो अंदर वाले साइड आई यूज दिस स्प्लिंट ताकि ये दांत जो है वो हिले ना. अब 4 टूथ तो ये स्प्लिंट हो चुके हैं बिकॉज सीवियर था, क्लास 3 रिसेशन था, बोन बिल्कुल ही नहीं थी एंड ये टूथ जो है मूव कर रहे थे. पेशेंट का कंसर्न था कि इनमें पेन भी है और ये मूव कर रहे हैं, राइट. नाउ अगर ये स्प्लिंट फेल भी होता है तो वट आई नीड टू डू इज, अगर ये स्प्लिंट फेल होगा तो मैं ये 4 टूथ जो है वो निकालूंगा एंड देन आई विल गिव कैनाइन टू कैनाइन 6-unit bridge. इम्प्लांट नहीं दे सकता इस केस में बिकॉज ऑलरेडी देर इज नो बोन, तो इम्प्लांट भी स्टेबलाइज नहीं होगा. नाउ यू कैन ऑल्सो चेक योर ओरल हाइजीन. अपने नीचे वाले दांतों में अंदर वाली साइड अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा प्लाक डिपोजिशन. देर इज अ साइंस बिहाइंड दिस कि वाई नीचे वाले टूथ में ही प्लाक जो है डिपोजिट होता है. एंड दैट साइंस इज इफ यू सी दीज सेलेवरी ग्लैंड्स, तो सेलेवरी ग्लैंड्स की जो डक्ट ओपनिंग्स है वो नीचे वाले टूथ के जस्ट फ्रंट में होती है, राइट. तो सलाइवा जो है वो सबसे ज्यादा हमारा नीचे वाले टूथ को हिट करता है. सलाइवा के अंदर कैल्शियम होता है, काफी सारे मिनरल्स होते हैं, वो मिनरलाइजेशन करते हैं. तो प्लाक को जो है वो और मिनरलाइज करके वो सॉलिड कर देते हैं, टार्टर बना देते हैं, जिसकी वजह से जितना भी प्लाक जमेगा वो सबसे पहले नीचे वाले दांतों में अंदर वाली साइड जो है वो जमता है. यू कैन ऑल्सो चेक दिस इन योर माउथ. नाउ फ्रॉम ऑल दिस स्टोरी What is the moral of the story? So moral of the story is that कि आपको early age में dentist visit करना ज़रूरी है ताकि early age में आपका जो calculus है, plaque है, वो हम remove कर दे. Because if you do not visit, maybe you can suffer from tooth loss, tooth में pain होगा, RCT होगी, उसके बाद crown लगेगा, cap होगा, उसको stabilize करना पड़ेगा, bone loss होगा. Some patients just ignore going to a dental clinic and they do not visit clinic. But I think that everyone should have one dental visit ताकि ये problems जो हैं वो early stage में ही diagnose हो जाएं. And patient thinks कि जब dental pain होगा तो ही हम dentist को visit करेंगे, otherwise हम visit नहीं करेंगे. But believe me guys, तब तक situation worse हो जाती है. एंड जब पेन होगा उस टाइम पे हमको आपके टूथ को आर्टिफिशियल बनाना पड़ेगा, अननेचुरल बनाना पड़ेगा. उस टाइम आपकी जो कॉस्ट होगी टूथ को सेव करने की वो भी ज़्यादा पड़ेगी. सो माय टेक इज डू विजिट योर डेंटिस्ट एंड हैव अ चेकअप इन अर्ली एज. थैंक यू, बाय.